जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदि शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा 17 नवंबर 2023 का दैनिक पंचांग और बात करेंगे दैनिक राशिफल की और दैनिक पंचांग के माध्यम से बात करेंगे शुभ अशुभ मुहूर्त की कि 17 नवंबर 2023 को कौन से मुहूर्त में आपको जो है शुभ कार्य करने हैं। कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाह रहे हो तो किस मुहूर्त में शुरू करें और किस मुहूर्त का आपको ध्यान रखना होगा। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें और 17 नवंबर 2023 से जो है सूर्य भगवान भी जो है राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो 17 नवंबर का दिन कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए और शुभ अशुभ मुहूर्त के साथ दैनिक पंचांग की बात करेंगे। तो सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं 17 नवंबर 2023 के दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल की। तो सर्वप्रथम बात करेंगे दैनिक पंचांग। तो 17 नवंबर 2023 यानी कि शुक्रवार का दिन होगा, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और मांगशीर्ष का महीना जो है प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। तो चतुर्थी जो तिथि होगी वह 11:02 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, करण होगा विष्टिकरण और शुक्रवार का दिन होगा, योग होगा घृत योग। सूर्य भगवान उदय होंगे 6:48 पे और सूर्य भगवान जो है अस्त होंगे 5:22 पे सायंकालीन। चंद्रमा जो है वह धनुराशि में संचार करेंगे और बात करते हैं अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल की। तो 17 नवंबर 2023 को राहु काल जो होगा, अशुभ मुहूर्त जो होगा वह प्रातःकालीन 10:46 से लेकर के और 12:05 तक रहेगा। तो इस राहु काल का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य, जिस कार्य से आपको अधिक समय तक लाभान्वित होना है उस कार्य को आपको इस राहु काल में बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, अभिजीत मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त जो है 17 नवंबर 2023 को होगा अभिजीत मुहूर्त जो है प्रातःकालीन जो है यानी कि मध्यकालीन 11:44 से लेकर के और 12:26 तक जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो जो है 17 नवंबर 2023 को जो है 11:44 से लेकर 12:26 तक जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य, जिस कार्य से आप अधिक समय तक लाभान्वित हो सकें उस कार्य को आप इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की। तो मेष राशि से लेके मीन राशि के जातक, जितने भी मेष राशि से लेके मीन राशि के जातक हैं, तो मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 17 नवंबर 2023 यानी के शुक्रवार का दिन। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 यानी के शुक्रवार का दिन। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है वह सामान्य ही रहने वाला है और आपको मित्रों का संयोग जो है वह मिलता हुआ दिख रहा है। दीर्घकालीन योजनाएं जो है आगे बढ़ेंगी और कला कौशल में भी आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है और आपके कामों में यदि कुछ अवरोध आ रहे हैं, कुछ काम जो है आपके रुक रहे हैं, तो वे अवरोध जो है वह विघ्न बाधाएं आपकी दूर होते हुए दिख रही है। किसी विपरीत परिस्थिति में जो है आप धैर्य बना करके आगे बढ़ें, धैर्य बना करके आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। और संतान से आपको किसी जो है किए हुए वादे का पूरा सम्मान भी आज करना होगा, पूरा उस वादे को आपको करना होगा जो आपने अपने संतान से वादा किया है। बात करते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023
शुक्रवार का दिन। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं पर आपको पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा और आपने जो है किसी काम को आज बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। और कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में किसी समझौते पर आपको हस्ताक्षर नहीं करने हैं, नहीं तो आपको जो है किसी गलत जगह दस्तखत जो है आप कर सकते हैं और उसमें जो है आप फंस सकते हैं, कुछ विवाद में फंस सकते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा आज जो है वृषभ राशि के जातकों को, और किसी को भी धन आपको उधार नहीं देना है, ना ही किसी से आपको आज उधार लेना है, नहीं तो क्या होगा कि उसको उसे पूरा करना जो है मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी से धन उधार लेते हैं तो उस उधार को देना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए किसी से भी आज आपको उधार नहीं लेना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन राशि के जातकों को आज जो है आपके जो आवश्यक कार्य हैं उन कार्यों को करते समय सावधान आपको रहना होगा और अपनी ऊर्जा का संचय भी आपको आज जो है अच्छे कार्यों में करना है। आज का दिन जो है आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहने वाला है, इसलिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति करते समय जो है आपको अपनी ऊर्जा का संचय करना है। स्थायित्व की भावना जो है आज आपके मन में बनी रहेगी, आपको अपने किसी बड़े लक्ष्य को समय रहते ही आज आप पूरा करना होगा। अपने जो बड़े लक्ष्य हैं आपके उन्हें समय रहते पूरा आपको करना होगा। आपको साझेदारी में जो है किसी काम को करने से अच्छा लाभ भी आज मिल सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होगा और माता पिता के आशीर्वाद से जो है आपका कोई रुका हुआ जो कार्य है वह पूरा होता हुआ दिख रहा है। संतान आपकी उम्मीदों पर आज खरी उतरती हुई दिख रही है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है सकारात्मक परिणाम लेकर के आने वाला दिन रहेगा और अपने विरोधियों से आपको सावधान रहने की थोड़ा सा आवश्यकता होगी। आप जो है आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण अपने कामों को जो है पूरी मेहनत के साथ आज करेंगे और आप अपने डेली रूटीन में जो है निरंतरता बनाए रखें। करीबियों पर जो है आपका पूरा भरोसा रहेगा, जो करीबी हैं आपके उन पे आपका पूरा भरोसा आज रहेगा और घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राप्त होते हुए दिख रही है। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको आज थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है वह लाभ दिलाने वाला रहेगा और मित्रों का संयोग आप पर जो है आज बना रहेगा। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में आज आपको लगाना है, नहीं तो आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, समस्याएं जो है आपके लिए पैदा हो सकती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत जो लोग हैं सिंह राशि के जातक, तो ऐसे लोगों को अपने कामों को लेकर समस्या आज हो सकती है, इसलिए आप जो है उन्हें समय रहते उन कार्यों को निपटाने की आपको कोशिश करनी है और किसी से भी आज धन उधार आपको नहीं लेना है, नहीं तो आप जो है उस धन को उतार पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, उस उधार को उतार पाना मुश्किल हो जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनके हाथ कोई अच्छा अवसर भी आज लग सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की कि कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 यानी कि शुक्रवार का दिन। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी निर्णय को लेने से बचने के लिए रहने वाला है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आज आपको नहीं करना है और आप जो है आवेश में आकर कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे पूरा करने में बाद में आपको समस्या हो, इसलिए ऐसी कोई बात आपको आवेश में आकर के नहीं बोलनी है। और आपके घर परिवार में जो है किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति हो सकती है, यदि ऐसा हो तो आप जो है आपको उसमें शांत रहना होगा और आपको कुछ बातों को आज जो है गोपनीय भी रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन भी आज मिल सकता है जो आपकी खुशी का कारण बनता हुआ दिख रहा है और संतान से आपको किसी किए हुए वादे को आज पूरा करना आपको होगा, जो आपने संतान से कोई वादा किया है उसे आपको पूरा करना होगा।
बात करते हैं तुला राशि की कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातकों को आज जो है आपके आवश्यक कार्य जो है उनमें आपको सावधान रहना होगा और आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में आज लगाना होगा। सभी के साथ जो है सम्मान आपको बनाए रखना है। आप जो है सबको आज साथ लेकर के भी आगे बढ़ेंगे तुला राशि के जातक, और परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी आज आपके यहाँ हो सकता है। साझेदारी में किसी काम को करना आपके लिए आज अच्छा रहेगा, लेकिन आप जो है अपने बिजनेस की कुछ योजनाओं को लेकर के यदि कुछ प्लानिंग करेंगे तो वह अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का जो दिन है वह आज का दिन जीवन स्तर में सुधार लेकर के आपके लिए आज का दिन आने वाला है। आप जो है अपने कामों में निसंकोच जो है आगे बढ़ेंगे, और परिवार में किसी सदस्य के विवाह पर जो है किसी विवाह सदस्य के विवाह के प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है और माहौल आपके घर का आज खुशनुमा होता हुआ दिख रहा है। आपको जो है किसी काम को लेकर यदि समस्या चली आ रही थी तो वह समस्या भी आपकी दूर होगी और सगे संबंधियों का आपसे जो है आपके ऊपर पूरा सहयोग भी आज रहेगा। समन्वय की भावना आपके मन में बनी रहेगी और घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आज प्राप्त होते हुए दिख रही है। बात करते हैं धनुराशि की कि धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है और आज का दिन आपके लिए सम्मान में वृद्धि लेकर के आने वाला है। किसी सरकारी योजना में जो है धनुराशि के जो जातक हैं तो किसी सरकारी योजना का आपको आज पूरा लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपको पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकालने की आज जो है कोशिश करनी होगी। जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी है, तभी आप जो है कोई काम भी कर सकेंगे। आप अपनी आय में और व्यय में संतुलन बना करके आपको चलना है। आपको अपनी आय यानी कमाई में और खर्चे में जो है संतुलन बना करके चलना होगा तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थी जितने भी हैं धनुराशि के जातक, तो विद्यार्थियों को मानसिक परेशानियों से आज छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। आपको रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ने का आज मौका मिलता हुआ दिख रहा है धनुराशि के जातकों को। बात करते हैं मकर राशि कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातकों को बहुत ही सोच विचार करके आगे आपको बढ़ना होगा और पारिवारिक जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आज आपकी बनी रहेगी और आवश्यक मामलों में आपको धैर्य रख करके आगे बढ़ना होगा। और लेन देन से संबंधित मामले जो हैं, लेन देन से संबंधित मामले में आप पूरी शर्तों पर चलें तभी आप जो है अपने धन को वापस ला सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी करना आपके लिए जो है अच्छा रहेगा और आपको कामों के साथ साथ जो है माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय आपको निकालना होगा। आपके घर में किसी अतिथि का भी आज आगमन हो सकता है, कोई मेहमान अतिथि आपके घर में आ जा सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 यानी कि शुक्रवार का दिन। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत ही अच्छा दिन आज आपके लिए रहेगा और आपके महत्वपूर्ण प्रयासों में आज जो है वह तेजी आते हुए दिख रही है। लेकिन आज जो है कुंभ राशि के जातकों को किसी के भी बहकावे में आपको नहीं आना है, नहीं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी नए काम को की शुरुआत करना जो है आज आपके लिए अच्छा रहेगा और परिवार में जो है किसी नए सदस्य का भी आज आग पे आगमन हो सकता है। आप जो है अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ भी आज उठाते हुए दिख रहे हैं। जो आपकी अच्छी सोच है उसका पूरा लाभ आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं अंतिम राशि जो है मीन राशि, 12वीं जो राशि है मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर 2023 यानी के शुक्रवार का दिन। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपको अच्छा लाभ मिलने से जो है आपके प्रसन्नता का ठिकाना भी आज नहीं रहेगा। लेकिन आप जो है किसी को धन उधार आपको नहीं देना है
और प्रशासनिक मामलों में आपको सावधान रहने की आज आवश्यकता होगी। आपके जो कुछ विरोधी हैं, वे आज आपको परेशान करते हुए दिख रहे हैं, आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में चल रही जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आपको जो है अपने वरिष्ठ सदस्यों से जो है अपने परिवार के जो वरिष्ठ हैं उनसे आपको बातचीत करनी होगी, तभी आप जो है उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको जो है अपने परिवार के वरिष्ठ जो है उनसे जो है बातचीत करनी होगी। तो मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा इसकी जानकारी और 17 नवंबर 2023 के ही दैनिक पंचांग शुभ अशुभ मुहूर्त की जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको अवगत कराए। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।